तो हम लोग जो टॉपिक चल रहा है दैट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी हम लोगों ने प्लेन मिरर कंप्लीट किया है अभी, और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप के मिरर आप कॉमनली यूज करते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दो टाइप के मिरर हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, कॉनकेव जो होता है दैट इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर, और जो कॉन्वेक्स होता है दैट इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, एक कन्वर्जिंग नेचर का है दूसरा डाइवर्जिंग नेचर का है। जैसे आपने कॉनकेव मिरर बनाया, ये देखो मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपने पीछे से इसको सिल्वर किया है, अंदर वाला पोर्शन यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। ये जो मिरर आप देख रहे हैं बेसिकली ये किसी स्फीयर का पार्ट है, अगर हम चाहें तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, वी कैन कंप्लीट द स्फीयर। इस स्फीयर को हम लोगों ने कंप्लीट किया, देखो ये पूरा किया कि नहीं किया, केवल इतने पोर्शन को आपने मिरर बनाया हुआ है, पूरे स्फीयर को मिरर नहीं बनाया हुआ है, आपने केवल इतने पोर्शन को मिरर बनाया हुआ है, और ये वाला पॉइंट जो है इसको पोल कहा जाता है, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब ये देखो ये स्फीयर है, वो जिस स्फीयर से ये मिरर आपने बनाया है ये वो वाला स्फीयर, ठीक है। अब देखना इस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये है, इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, फिर से देखें कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का है, बनाया कैसे जाएगा, अंदर वाला जो पोर्शन है वो लाइट के लिए एक्सपोज्ड है ना, और जिस पोर्शन पे लाइट फॉल होती है ध्यान रखिएगा इसको एपर्चर कहा जाता है, इसको क्या नाम देते हैं बताइए, इसको एपर्चर नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एपर्चर, इसको हम लोग नाम देते हैं एपर्चर, जितने पोर्शन पे लाइट फॉल होती है उसको एपर्चर कहते हैं, हिंदी में द्वारक कहलाता है, ये हमारा एपर्चर होता है, दिस इज एपर्चर, क्लियर है। तो ये हमारा एपर्चर है, लाइट यहां पर इतने पोर्शन पे फॉल हो रही है, क्लियर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कौन है आर है, इतने पोर्शन पर लाइट फॉल होती है, जितने पोर्शन पर लाइट फॉल होती है उसका नाम होता है एपर्चर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो एपर्चर नाम देते हैं, वी कॉल इट एपर्चर। अब बताइए टर्मिनोलॉजी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। दो टाइप के मिरर है, कौन कौन से, पहला मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव में क्या है, अंदर से रेस फॉल हो सकती है, जितने पोर्शन पर रेस फॉल हो सकती है उस पोर्शन का नाम क्या होता है, एपर्चर होता है। ये लाइन कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर है, ये कौन है। दूसरा देखिए, दूसरा वाला जो मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये अंदर से आप इसको सिल्वर करेंगे, बाहर से एक्सपोजर होता है इसका, तो एपर्चर इसका बाहर से होगा, और अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं, ये आप अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। ठीक, ये हमारा पोल हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये पोर्शन ये एपर्चर है। अच्छा, कॉन्वेक्स में आप देखिए ना, ज्यादा पोर्शन पे लाइट फॉल हो सकती है, नहीं, ये इसका एपर्चर ज्यादा है और इसका एपर्चर कम होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा एपर्चर किसका है, तो कॉन्वेक्स का ही होता है ना। अगर मैं एपर्चर की साइज के हिसाब से बात करूं, अगर मैं एपर्चर के हिसाब से बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा एपर्चर जो होता है वो कॉन्वेक्स का होता है ना। उसके बाद जो एपर्चर होता है वो किसका होता है, प्लेन का होता है, और उसके बाद जो एपर्चर होता है वो कॉनकेव का होता है।
तो सबसे कम जो एपर्चर होता है या जितने पोर्शन पे लाइट फॉल करती है या जितने पोर्शन को कवर कर सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम पोर्शन को जो कवर कर सकता है वो कॉन्वेक्स कर सकता है, ये ज्यादा दूर तक ये व्यू बना सकता है, इसको फील्ड ऑफ व्यू भी कहते हैं, आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्यादा दूर तक ये रेस को कवर कर सकता है, गैदर कर सकता है, इसको कहा जाता है क्या, एपर्चर। और ये कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो एपर्चर होता है ये ज्यादा होता है और जो कॉनकेव मिरर होता है उसका एपर्चर कम होता है। मिटा दें इसको। तो ये आपको मैंने बेसिक टर्म बताई, दो टाइप के मिरर हैं, स्फेरिकल और एक मिरर आपका होता है कॉनकेव, कन्वर्जिंग नेचर का है, और दूसरा जो मिरर है कॉन्वेक्स वो डाइवर्जिंग नेचर का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें डिस्कस करते हैं, रिलेशन किसके बीच का, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का। सेकंड जो अपने को डिस्कस करना है, बेटा ना इसको, सेकंड जो है हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। जैसे ये आपने एक मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये आपने यहां से सिल्वर किया, पीछे से पेंट किया। अब अगर आप इसको कंप्लीट कर दें यहां से, तो ये पूरा स्फीयर इधर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ये पोल हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर कोई पैरेलल लाइट की रे आ रही है इस तरीके से और ये आकर के कन्वर्ज कर जाए, तो जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज करती है उसको क्या नाम दिया जाता है, फोकस नाम दिया जाता है। पैरेलल लाइट की रे कहां से आती है, बोलो, इन्फिनिटी से आती है। पैरेलल लाइट की रे जो आ रही है वो कहां से आ रही है, बोलो, इन्फिनिटी से आ रही है, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो पैरेलल लाइट की रे आई, यहां पर फॉल हुई, फॉल होने के बाद कन्वर्ज हुई, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसको क्या कहते हैं, फोकस। अब देखिए, ये पोल है, ये फोकस है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, फोकल लेंथ। ये क्या बचा, आर माइनस एफ, यहां से इसको मिला दो ऐसे, यहां से मिलाया, ये लाइन क्या हो गई, नॉर्मल, समझ रहे हो, ये वाली लाइन क्या हो गई, बोलो, नॉर्मल हो गई यहां से। तो ये देखो, ये आर माइनस एफ है, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। अच्छा, एक बात और देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां से मिला दिया जाए तो ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर इसको यहां से मिला दिया जाए तो ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, भाई ये भी रेडियस, हर तरफ रेडियस है, तो ये रेडियस हुआ। एक बात सपोज कर लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्यों, अगर ये थीटा है ये भी थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन मिरर पे बनाओगे नॉर्मल होती है, ठीक, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हुआ, ये टोटल टू थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, बताओ, टू थीटा। एक बात और देखिए, अगर ये एंगल हमारा टू थीटा है तो ये बैक साइड वाला एंगल कितना हुआ, 180 माइनस टू थीटा हुआ कि नहीं हुआ, क्या समझ आया, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आर है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस टू थीटा, ये थीटा। अब एक ट्रेंगल देखिए, मैं जो ट्रेंगल का नाम ले रहा हूं ध्यान रखिएगा, सी क्यू एफ, हम ट्रेंगल ले रहे हैं सी क्यू एफ, ट्रेंगल ले रहे हैं सी क्यू एफ, सी क्यू एफ जो ट्रेंगल है इसको जरा ध्यान से देखिएगा, सी क्यू एफ में ये कितना है, आर है, तो आर अपॉन ये कितना है, 180 माइनस टू थीटा है, तो ये आएगा साइन 180 माइनस टू थीटा बराबर क्या होगा, ये कितना है, आर माइनस एफ, इसके सामने कितना एंगल है, थीटा, तो आर आर माइनस एफ अपॉन साइन थीटा, क्यों, फिर से देखो, आर अपॉन कितना, साइन 180 माइनस टू थीटा, और आर माइनस एफ अपॉन कितना, साइन थीटा। बोलो इसको क्या कहा जाता है, साइन रूल, क्या कहते हैं, अलग से कहो तो मैं लिख देता हूं, जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल अल्फा, इसके सामने ए,
ये एंगल बीटा इसके सामने बी, ये गामा इसके सामने सी, तो ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा, ये होता है साइन रूल, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा, तो ये साइन रूल होता है, वही हमने लगाया है। यहां पर आर अपॉन साइन 180 माइनस टू थीटा, आर माइनस एफ अपॉन साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आर अपॉन साइन टू थीटा, क्यों, क्या लिखा हुआ था यहां पर साइन 180 माइनस टू थीटा, और 180 में से आपको पता है माइनस करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन टू थीटा, और यहां क्या मिलेगा आर माइनस एफ अपॉन साइन थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आएगा आर माइनस एफ अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो आर अपॉन टू कॉस थीटा बराबर किसके आर माइनस एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा आर माइनस आर अपॉन टू कॉस थीटा, एफ बराबर है आर वन माइनस वन अपॉन टू कॉस थीटा, ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, नोट करिए। अब ये देखिए ये फॉर्मूला अपने पास आया, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है, या हम ये कह सकते हैं स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल हो जाएगा तो कॉस थीटा की जगह वन लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहां से एफ इक्वल्स टू आएगा आर वन माइनस वन बाय टू, तो एफ को लिखा जा सकता है आर बाय टू, समझे आप, तो एफ इक्वल्स टू आर बाय टू, सामान्य तौर पे हमको ए रटाया जाता है फोकल लेंथ आर बाय टू, लेकिन ये स्पेशल केस है, और ये कौन सा केस है, जब थीटा टेंड्स टू जीरो या स्मॉल होगा। अब यहां भी एक बात आपको मैं समझाऊंगा कि जैसे कोई मिरर है और इस मिरर में ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और ये दो रेज बनाई है आपने, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रे होती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास वाली रे होती है इसको परेक्सियल रे कहते हैं, और जो दूर वाली होती है इसको मार्जिनल कहते हैं, क्या कहते हैं, परेक्सियल कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं बताओ, मार्जिनल कहते हैं, समझिएगा, जो परेक्सियल वाली होती है अगर आप उसकी बात करें है ना, परेक्सियल वाले की बात करें तो आप जरा देखिएगा ध्यान से, जैसे यहां से आपने ये सेंटर यहां कहीं था इसको मिलाया ऐसे, तो ये एंगल देखो छोटा बनेगा, लेकिन अगर मार्जिनल के हिसाब से आप बात करेंगे यहां से इसको मिलाएंगे ना, तो ये एंगल बड़ा बनेगा, क्यों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस लेसर होगा, इसका मतलब जो परेक्सियल रेज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं, उनका एंगल छोटा होता है, याद रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आप फॉर्मूला लगाते हो ये फॉर परेक्सियल रेज के लिए लगता है, किसके लिए लगता है बताओ, परेक्सियल रेज, एक बात, या तो उल्टा बोल दो कि मिरर छोटा है, अगर मिरर छोटा होगा तो मार्जिनल रेज की नौबत ही नहीं आएगी, आएगी क्या, नहीं आएगी, तो या तो ये बोल सकते हो फॉर स्मॉल एपर्चर, आपके ऊपर है जैसे आप बोलना चाहो, फॉर स्मॉल एपर्चर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, फॉर स्मॉल एपर्चर, या तो एपर्चर छोटा हो तब आप लगा सकते हो इसको, या परेक्सियल हो तब आप लगा सकते हो, अन्यथा फॉर्मूला आपका ये है एफ इक्वल्स टू आर वन माइनस वन अपॉन टू कॉस थीटा, मेन फॉर्मूला आपके सामने ये है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो कब लगाना है कब नहीं लगाना, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जितने भी फॉर्मूले मिरर में आपको बताए जाएंगे वो परेक्सियल के लिए ही बताए जाते हैं, मार्जिनल को ध्यान में रख के कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं जाता है, समझ में आया, जितने भी फॉर्मूले आपको हम डिस्कस करेंगे या बुक्स में जो दिए जाते हैं वो हमेशा परेक्सियल को ध्यान में रख के ही दिए जाते हैं, दे आर फॉर्मुलेटेड फॉर परेक्सियल रेस, वो हमेशा परेक्सियल रेस के लिए ही फोकस किया जाता है ना, फॉर्मुलेट किया जाता है, इतना समझ में आ रहा सबको कि नहीं आ रहा, तो ये आपका पहला रिलेशन मैंने बताया है किसके लिए, मिरर के लिए, और क्या रिलेशन है एफ और आर का, क्या रिलेशन है, ठीक। इसके बाद अब आइए दूसरी चीज आपको बताते हैं, मिरर इक्वेशन,
दूसरी चीज आपको बताते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन क्या है कि जैसे कोई आपने मिरर बनाया, फॉर एग्जांपल ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इमेज देखो कैसे बनती है, ये मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, ठीक, यहां से लाइट की रे सीधी गई, ये कन्वर्ज होकर के फोकस से निकलेगी यहां से, ठीक। दूसरी वाली जो रे है उसको पोल पे ले जाइए सीधा, और जाने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से चली जाएगी, क्लियर है। इसके बाद जो है यहां पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। तो ये ए डैश हो गया, ये हमारा बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया है, दूसरा बी डैश, ऐसे है, समझिए बात को। फिर से देखते हैं वापस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, यहां से रे आई पोल पर, ये देखो ऐसे, ठीक, जितने एंगल पर आएगी उतने पर जाएगी, और जो पैरेलल थी वो कहां से निकलेगी, फोकस। तो यहां पर इमेज कैसी बन रही है बताओ, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहां पर इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक। अब सुनिए पहले काम की बात, जो पोल है पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू लिखते हैं, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को वी लिखते हैं, क्लियर है। तो मिरर इक्वेशन है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू वन बाई एफ, वन अपॉन वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स टू वन बाई एफ, ये मिरर इक्वेशन होती है, बना ली, मिरर इक्वेशन, नोट किया, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू वन बाई एफ। एक बात और आपको बताते हैं कि जैसे आपने ये मान लीजिए मिरर बनाया और ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा, ये इमेज बन रही है ए बी, और ये ए डैश बी डैश। अगर फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक्स वन है और इमेज की डिस्टेंस एक्स टू है, समझिए क्या क्या किया हमने, एक्स वन हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और एक्स टू क्या हो गया, इमेज की डिस्टेंस। तो ये जो x1 और x2 का प्रोडक्ट होता है ये f स्क्वायर के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, किसके बराबर होता है, x1 प्लस x1 इंटू x2 क्या होता है, बोलिए f स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहां से डिस्टेंस लिए बताओ, x1 डिस्टेंस है फोकस से एक ऑब्जेक्ट की, और x2 डिस्टेंस क्या है पता है, ऑब्जेक्ट इमेज की फोकस से डिस्टेंस है। ये न्यूटन ने बनाया था फॉर्मूला, ये न्यूटन्स फॉर्मूला कहलाता है या न्यूटन्स इक्वेशन कहलाती है, और ये जो लगती है ना फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ये किसके लिए लगती है बताओ, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए। फिर देखिए एक्स वन एक्स टू कहां से ले लिया बताओ, ठीक है ना, एफ फोकस से ले लिया है, और फोकस से लेने पर क्या होगा बताइए, एक्स वन इंटू एक्स टू बराबर है एफ स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं कि एफ बराबर है अंडर रूट ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू, ज्योमेट्रिक मीन होता है ये मिरर इक्वेशन। उसके डेरिवेशन की आवश्यकता है करवाने की, है ना, फॉर्मूला क्लियर है आई थिंक, बहुत आसान है ये, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू वन बाई एफ, ठीक। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन रखिएगा, कभी काम आ सकता है। अब आइए वापस, इस फॉर्मूले को लगाते समय आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, किसका ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन का, बिना साइन कन्वेंशन के आप उस इक्वेशन को नहीं लगा सकते, इस इक्वेशन में कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको एक्स वन एक्स टू की वैल्यू लेनी है। लेकिन इस वाली इक्वेशन को लगाते समय, मिरर इक्वेशन को लगाते समय आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो लगे हाथ आपको साइन कन्वेंशन भी बता देते हैं, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन,
साइन कन्वेंशन में पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पोल, जितनी भी डिस्टेंस है वो पोल से ली जाती है, ऑल द डिस्टेंसेज आर टेकन फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंसेज आर टेकन फ्रॉम द पोल, जितनी भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे दे ऑल आर टेकन फ्रॉम द पोल। पहला पॉइंट, जैसे ये आपने मिरर बनाया और ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है। अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट आपने ये रखा हुआ ए बी, इमेज यहां पर ए डैश बी डैश नीचे बन रही है, ये पोल है, तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू, ये होगा, क्लियर हो रहा है, माइनस यू इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, और इसी तरीके से ये भी होगा माइनस वी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की सारी डिस्टेंस पोल से लेंगे, और इसमें एक दूसरा पॉइंट लिख दें तो सही रहेगा, पहले फिर डिस्कस करेंगे, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ एंड ऑपोजिट टू इट आर निगेटिव। समझिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में जो डिस्टेंस आएगी वो कैसी होगी, निगेटिव। डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेज ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर निगेटिव। बात को समझिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है दे आर पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में जो है वो निगेटिव। मैं जो बता रहा था, यहां देखिए, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो इंसिडेंट रे तो इधर जाएगी ना, ये इंसिडेंट रे है और डिस्टेंस आपको पोल से लेनी है, अगर पोल से लेनी है इसका मतलब ये कैसी होगी, माइनस नहीं होगी। इसी तरीके से यहां पर भी वही है, ये आपका पोल हो गया नो भाई, और ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे इधर गई जा रही है तो इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नहीं, इंसिडेंट रे कहां जा रही है, लेफ्ट से राइट, बोलो इधर वाली, इसका ऐसे बना लें, ये राइट वाली डिस्टेंस प्लस में होंगी और लेफ्ट वाली किसमें होंगी, राइट वाली डिस्टेंस किसमें होंगी, प्लस में, और लेफ्ट वाली डिस्टेंस किसमें होंगी, माइनस में होंगी। राइट वाली प्लस और लेफ्ट वाली किसमें, माइनस, राइट वाली प्लस लेफ्ट वाली माइनस, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों, इंसिडेंट रे कहां से जा रही है बताओ, लेफ्ट टू राइट। कल को अगर उल्टा हो जाए, सुनिए, कल को अगर मिरर पलट जाए, ये मान लीजिए ऐसे मिरर रख दिया, पीछे सिल्वर किया, अब ये आपने ऑब्जेक्ट इसके सामने ऐसे रख दिया, तो अब इंसिडेंट रे इधर से आएगी, क्यों, ये इंसिडेंट रे है। अगर ऐसा होता है तो ये वाली डायरेक्शन प्लस हो गई और ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस। समझो बात को, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, अब कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं क्या कि राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, वो मत याद करिएगा, अगर वो याद करिएगा तो फिर ये भी याद करिएगा कि इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही, कहां से कहां जा रही है। लेकिन कल को अगर पलट गया, यहां पर देखो इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट जा रही है, कहां जा रही है, इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट जा रही है, अगर ये राइट से लेफ्ट जा रही है तो ये वाली डायरेक्शन प्लस हो गई और वो वाली क्या हो गई, माइनस। क्लियर हो रहा है, आपको कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट को देखना है और इंसिडेंट रे को देखना है। अब ये तो बात हो गई लॉ समझाने की, कन्वेंशन। हम आपको एक आइडिया, जनरल चीज बताते हैं, क्या ये मिरर है, ये मिरर का फ्रंट है और ये मिरर का बैक, ये मिरर है, ये मिरर का फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट की डिस्टेंस निगेटिव होती है और बैक की क्या होती है, पॉजिटिव। आप ये कॉमनली यूज कर सकते हो, अगर आपको इंसिडेंट रे नहीं देखना है या नहीं समझ में आ रहा किसी कंडीशन से, मल्टीपल इमेजेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो उस वाले केस में फ्रंट और बिहाइंड करके भी ले सकते हो। फ्रंट में मिरर में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो प्लस, सॉरी माइनस, और बिहाइंड वाली जो मेजर करोगे वो प्लस, बना ली। तो ये आपका पहला साइन कन्वेंशन है, पहला क्या, दो हो गए, ऑल द डिस्टेंसेज आर टेकन फ्रॉम पोल, पोल से डिस्टेंस ली जाती है,
दूसरा क्या है, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव है और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जो डिस्टेंस है वो निगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जो डिस्टेंस है वो निगेटिव। समझ में आ रहा है? ऑल द डिस्टेंसेज आर टेकन फ्रॉम पोल, पहला पॉइंट। उल्टा नहीं लेना है, पोल से ए तक जाइए, ए से पी नहीं आना है, पी से ए जाना है। डिस्टेंस वही होगी, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, डिस्टेंस बराबर है, लेकिन हमें कहां से लेना है। जैसे लखनऊ को हमने पोल ले लिया तो लखनऊ से कानपुर प्लस कहलाएगा, माइनस कहलाएगा, उधर से लेंगे तो माइनस, उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर से राइट से इधर चलेंगे तो प्लस, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस। खैर, इसके बाद जो है तीसरी बात याद करें, अगर ये मिरर है ठीक है और ये यहां से आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ऊपर वाली डिस्टेंस प्लस में ली जाएगी और नीचे वाली किस में ली जाएगी, माइनस। अगर कल को हमें साइज निकालना हो तो हम कन्वेंशनली बोलेंगे कि ये पॉजिटिव साइन है और ये कैसा है, निगेटिव। इन्वर्टेड कोई चीज होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से इन्वर्टेड नीचे है तो वो हम क्या करेंगे, माइनस, और ऊपर वाली क्या ले लेंगे, प्लस। याद रहेगा, इसको इरेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर इरेक्ट है, सीधा है, या इसको अपराइट बोलते हैं, अपराइट, तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो ये निगेटिव बोला जाता है। ये जनरल बातचीत है इसकी। अगर अपवर्ड लिया जाए तो ये पॉजिटिव होता है और अगर डाउनवर्ड लिया जाए तो ये निगेटिव होता है। या ऐसे बोलो कि अपराइट है तो पॉजिटिव साइन लेंगे और इन्वर्टेड है तो निगेटिव साइन। क्लियर है? तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है इसका, साइन कन्वेंशन है। तो आज आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहली बात मिली, दो टाइप के मिरर है, पहली बात सीखी। दूसरी टाइप चीज क्या सीखी हम लोगों ने, ठीक है ना, मिरर इक्वेशन क्या है और उस मिरर इक्वेशन को लगाने में साइन कन्वेंशन। एक और रिलेशन हम लोगों ने सीखा है और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो ये तीन बेसिक चीजें आज आपको मिरर की हमने बढ़ाई, स्फेरिकल की। नेक्स्ट टर्न पर आप तैयार होकर मेंटली आ सकते हैं, हम आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे और यू आर वी का ग्राफ बताएंगे, दो चीजें बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, और फिर अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट बताएंगे। तो स्फेरिकल मिरर के हम लोग तीन लेक्चर बनाएंगे, पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा, अगले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन के बाद ग्राफ बताएंगे, और तीसरा वाला जो है आपको उसमें न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो तीन दिन का ना ये लेक्चर है।